हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग कैपिटल। आज से हम आरसीसी के लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आरसीसी को एसडीडी 1 नाम से भी जाना जाता है। आरसीसी का फुल फॉर्म है रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट। तो अब देखिए, आरसीसी में आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है कंक्रीट। कंक्रीट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें आपका एक बाइंडिंग मटेरियल होता है, उसके बाद आपका एक फाइन एग्रीगेट होता है, और उसके बाद आपका कोर्स एग्रीगेट होता है। ठीक है, तो ऐसा सब्सटेंस जिसमें ये तीनों चीजें होती हैं उसको हम बोलते हैं कंक्रीट। और अब देखिए, बाइंडिंग मटेरियल जो हम आरसीसी में यूज कर रहे हैं वो होता है सीमेंट। फाइन एग्रीगेट जो हम यूज़ कर रहे हैं वो होता है सैंड, और जो कोर्स एग्रीगेट है उसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं। कोर्स एग्रीगेट मतलब जो हमारे एग्रीगेट्स होते हैं मेनली। तो हमारा सी एस ए, नॉर्मली जो कंक्रीट बनेगा उसमें सी डॉट एस ए, इस तरह से हम इसके प्रोपोर्शन गुनेंगे। तो ये जो प्रोपोर्शन है वो हम ऐसा रखते हैं 1:x:2x, यानी कि सीमेंट का जो प्रोपोर्शन रहेगा वो 1 रहेगा, और उसके कंपैरिजन में सैंड का कुछ भी प्रोपोर्शन हम रख सकते हैं, और जो एग्रीगेट रहेगा वो इस प्रोपोर्शन के डबल रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको ऐसा रखूँ 1:3:6 इस तरीके से, तो देखिए मैंने क्या किया, सीमेंट का प्रोपोर्शन मैंने 1 लिया है, सैंड का मैंने 3 लिया है, और 3 का डबल मैंने कर दिया यहाँ, तो एग्रीगेट जो हो गए वो 6 हो गए। अब ये वाला जो प्रोपोर्शन बना इसको हमने नाम दिया है M10, ठीक है। याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये भी देख सकते हैं 6+3+1=10, पर ये सिर्फ और सिर्फ इसमें ही एप्लीकेबल होता है और ग्रेड ऑफ कंक्रीट में एप्लीकेबल नहीं होता। तो अब ये देखिए, यहाँ पर इस प्रोपोर्शन को हमने M10 से डिनोट किया है। M10 का क्या मतलब होता है, M यानी मिक्स और 10 यानी होता है FCK। FCK को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और ये जो M10 है ये आपके कंक्रीट का एक ग्रेड होता है। अब इस FCK को कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ से। FCK को हमने बोला है क्या, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, 150 mm के क्यूब्स बनाते हैं कंक्रीट के, किसी एक प्रोपोर्शन को हम चूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने यही प्रोपोर्शन चूज कर लिया जिसमें सीमेंट मैंने 1 यूनिट लिया है, सैंड को 3 यूनिट लिया है, और एग्रीगेट को 6 यूनिट लिया है। ये यूनिट है, यूनिट का मतलब होता है जिस भी आप जो भी आपकी यूनिट है मेजरमेंट की उस यूनिट में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जैसे हम तगाड़ी यूज करते हैं, तो अगर आपने 1 तगाड़ी सीमेंट लिया है, 3 तगाड़ी आपने सैंड लिया है, और 6 तगाड़ी आपने एग्रीगेट लिया है, तो ये यूनिट बता रहा है। तो यूनिट अलग भी हो सकता है, जरूरी नहीं है तगाड़ी हो, आप चाहे तो एक ट्रक के हिसाब से भी ले सकते हैं। जैसे आपको मास कंस्ट्रक्शन करना है तो आपने 1 ट्रक सीमेंट ले लिया, तो 3 ट्रक सैंड और 6 ट्रक आपका एग्रीगेट लग रहा है, उस हिसाब से बनाते हैं, ठीक है। तो ये यूनिट है। तो हमने क्या किया, 150 mm का क्यूब लिया है, और हमने इसको UTM में, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन जो होती है UTM, उसमें हम इस 150 mm क्यूब्स को रखते हैं। अब 150 mm क्यूब्स कितने बनाते हैं, हम 100 क्यूब्स बनाते हैं, 100 सैंपल्स बनाते हैं। अब इस 100 सैंपल में से जिस भी स्ट्रेस लेवल पर 95 क्यूब्स सेफ हो जाते हैं, उस स्ट्रेस को हम बोलते हैं FCK, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है वो 5% रहना चाहिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम, यानी कि 100 में से 95 तो पास कर जाएंगे और 5 आपके फेल हो सकते हैं। तो उस स्ट्रेस लेवल को हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब डिफरेंट ग्रेड्स के लिए कुछ प्रोपोर्शन डिफरेंट होते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके। हालांकि ये आपके कंक्रीट टेक्नोलॉजी का पार्ट है, पर देख लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहां पर मैं लिख रहा हूं ग्रेड,
और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सी एस ए रेशो, ठीक है। और मैंने आपको बताई दिया जैसा M 10 रहेगा तो 10 आपका एफ सी के बताएगा, चाहे तो आप यहाँ फिर से एक कॉलम बना लीजिए एफ सी के लिए। तो देखिए सबसे स्टार्टिंग करते हैं पहले M 10 से, तो M 10 ने हमने देखा 1:3:6, ठीक है। तो इसमें 10 जो है वो आपकी एफ सी की हो गई 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये इसकी एफ सी की हो गई। अब जैसे जैसे M 10 से हम बढ़े गए तो ये सपोज करो ये आ जाएगा M 15, तो ये जो प्रोपोर्शन रहेगा वो कम होता जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1:2:4, तो यहाँ पर 15 जो है ये इसकी एफ सी की आ जाएगी। और आगे आइए M 20, 1:1.5:3, यहाँ पर 20 इसकी स्ट्रेस लेवल हो गया। फिर आ जाएगा M 25, 1:1:2, इस तरीके से। RCC में हम एक कोड यूज़ करते हैं, उसका नाम है IS456-2000, ये आपके RCC का कोड है। इस कोड के हिसाब से जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट RCC के लिए यूज़ करते हैं वो है आपका M 20, ठीक है। अगर आपने कोई डिज़ाइन करी है IS456 की करस्पॉन्डिंग, तो M 20 मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट है जिसको आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया कंक्रीट से रिलेटेड, जिसमें हमने क्या किया है सीमेंट को बाइंडिंग मटेरियल यूज़ किया है, इसलिए उसको सीमेंट कॉन्क्रीट बोल रहे हैं। अब हम देखते हैं रीइंफोर्स। रीइंफोर्स का मतलब होता है एक ऐसा मटेरियल, रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है अ मटेरियल दैट एनहेंसेस एनी प्रॉपर्टी, ठीक है। अभी यहां पर हमने जो रीइंफोर्समेंट यूज किया है वो हमने स्टील को यूज किया है। स्टील क्या कर रहा है, इस सीमेंट कंक्रीट की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, इंक्रीजेस स्ट्रेंथ। इसकी जरूरत क्या है वो हम आगे देखेंगे, थोड़ा सा अभी हम स्टील के बारे में देख लेते हैं। स्टील क्या है, स्टील आपका एक एलॉय होता है आयरन एंड कार्बन, ठीक है। और जो आपको स्टील के ग्रेड्स पढ़ने हैं वो आपको पढ़ने हैं तीन तरह के, तो देखिए स्टील के आपको तीन तरह के ग्रेड पढ़ने हैं। पहला है Fe 250, इसको हम बोलते हैं माइल्ड स्टील, ठीक है। अभी ये जो 250 है ये बताता है आपकी Fy यानी कि यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस का मतलब होता है जिस पॉइंट से आपका परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस। हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा था, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में ये वाला जो पॉइंट होता है यहाँ पर जहाँ से आपकी यील्डिंग स्टार्ट होती है, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस आती है उसको हम बोलते हैं Fy, राइट। तो जितने भी आपके ग्रेड रहेंगे स्टील के उसको हम इसी तरह से शो करेंगे, और ये जो नंबर रहेगा वो उसकी Fy यानी कि यील्ड स्ट्रेस को बताएगा, और Fe मतलब स्टील। तो पहला तो ये हो गया, इसको हम माइल्ड स्टील बोलते हैं। उसके बाद हमारा आता है Fe 415 और Fe 500, जो हमें RCC में अभी फिलहाल यूज़ में है। आप मार्केट में जाएंगे तो बहुत तरह के आपके ये आपके स्टील के आपको अलॉयस मिल जाते हैं, फिलहाल हमें यूज़ करना इन दोनों का। इन दोनों को हम बोलते हैं HYSD। HYSD का फुल फॉर्म होता है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार, ठीक है। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है हाई यील्ड स्ट्रेंथ है, मतलब आपकी यील्डिंग के लिए स्ट्रेंथ इसकी हाई रहती है, इसलिए इनको HYSD बार बोलते हैं। अगेन यहाँ पे देखिए 500 जो है ये बताता है आपका Fe 415 है, तो वो आपकी Fy को बताएगा। यूनिट क्या होगी, अगर मैं यहाँ से देखूँ Fy = 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है।
एक चीज़ ध्यान रखिए, कभी भी आप जब न्यूमेरिकल करने जाएंगे तो जब एफ वाई यूज़ होगा और एफ सी की यूज़ होगा तो आपको यूनिट का ध्यान रखना है, न्यूटन पर एमएम में आ रही हैं चीज़ें, तो अगर आपका बी और डी जो आपके विड्थ और डेप्थ वगैरह होंगे वो सारी चीज़ों को आपको एमएम में रखना पड़ेगा। आगे भी मैं ये पॉइंट बार बार आपको रिवाइज कराऊंगा क्योंकि इसमें ही गलती हो जाती है, ठीक है। तो ये थे आपके ग्रेड ऑफ स्टील थे। इसके बाद हम देखेंगे यूनिट वेट के बारे में। चलिए अब देखते हैं हम यूनिट वेट। यूनिट वेट को स्पेसिफिक वेट भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम गामा से डिनोट करेंगे। गामा इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम, राइट। आरसीसी में कई बार इसको डेंसिटी बोल देते हैं, आपको क्वेश्चंस में आता है तो आपसे बोल देता है कि इतनी इतनी डेंसिटी है, पर डेंसिटी नहीं होती है, डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम, जबकि यूनिट वेट होता है वेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो हमें यूनिट वेट का जनरली यूज़ है। इसकी जो यूनिट आएगी वो आएगी क्या, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसकी यूनिट आएगी केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको डेंसिटी बोल भी दिया है पर यूनिट ये दिया है, इसका मतलब आपको गामा दिया हुआ है, ठीक है। और अगर यहाँ ये दिया हुआ है तो आपको केजी को उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारे पास जो जो मटेरियल्स हैं उनकी हम यूनिट वेट देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले देखते हैं आरसीसी का, गामा ऑफ आरसीसी ये होता है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा इसका, तो हमें ये याद रखना है। उसके बाद जो आपका प्लेन होता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट जिसमें आपका रेनफोर्समेंट नहीं होता है, वो होते हैं 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। उसके बाद स्टील का भी देख लेते हैं, ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी पर देख लेते हैं। गामा ऑफ स्टील इज इक्वल टू होता है आपका 78.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, कभी कभी इसको 79 भी ले लेते हैं। तो ये इसके यूनिट वेट हैं। अब देखिए क्या ज़रूरत कहाँ पड़ेगी वेट निकालने के लिए। अगर आपको कभी भी किसी का वेट निकालना है तो आपका वेट का फॉर्मूला बन गया गामा इंटू वॉल्यूम। अब अगर मैं आरसीसी की बात कर रहा हूँ तो आरसीसी की डेंसिटी है 25 और वॉल्यूम मुझे निकालना है, तो यहाँ से आ जाएगा 25 इंटू वॉल्यूम। अगर आपका बीम है जो आपका एक रेक्टेंगुलर शेप का आएगा, क्यूबॉइडल आएगा, तो यहाँ जाएगा क्या एल बी इंटू एच कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो वेट निकलेगा डब्ल्यू वो आपका किलो न्यूटन में निकलेगा। अगर आपको किलो न्यूटन पर मीटर में निकालना है यानी कि स्मॉल डब्ल्यू निकालना है, तो स्मॉल डब्ल्यू होता है डब्ल्यू अपॉन एल, तो ये कितना हो जाएगा आपका 25 इंटू बी इंटू एच, एच या डी जो भी आप लेना चाहें, तो इस तरह निकालेंगे तो इसकी जो यूनिट आएगी वो आएगी किलो न्यूटन पर मीटर। ये ध्यान रखिएगा, अगर आप सेल्फ वेट निकालते हैं यानी कि डेड लोड निकालते हैं तो हम ये स्मॉल डब्ल्यू निकालते हैं, और आप जब टोटल लोड निकालते हैं तो हम कैपिटल डब्ल्यू को निकालते हैं, ठीक है। तो आप ये यूनिट का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा आने वाला है नेक्स्ट चीज़ है, थोड़ा सा टाइप्स ऑफ लोड और देख लेते हैं कैसे कैसे हैं। टाइप्स ऑफ लोड, फर्स्ट है आपका डेड लोड। डेड लोड को ही सेल्फ वेट बोलते हैं, ठीक है। उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया है, डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा अगर आरसीसी की बात करें तो 25 इंटू एल इंटू बी इंटू एच, और अगर स्मॉल डब्ल्यू की बात करें तो 25 इंटू बी इंटू एच। यूनिट का ध्यान रखिएगा, ये किलो न्यूटन और ये किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो आप जो भी डिज़ाइन करेंगे उसकी आपको डायमेंशंस पता होगी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। सेकंड है आपका लाइव लोड। लाइव लोड का मतलब होता है आपका जो भी आपने एलिमेंट बनाया है उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल लोड लगाया हो। फॉर एग्जांपल जैसे हम अभी इस फ्लोर पे हैं, तो इस फ्लोर पे अगर आपने ये जो फर्नीचर रखा है, जो हम ह्यूमन बॉडीज़ वगैरह हैं, तो ये एक्सटर्नल जो फोर्स आ रहा है उसको हम बोलते हैं लाइव लोड। इसका एक और नाम होता है सुपर इम्पोज लोड।
नॉर्मली ये क्वेश्चंस में गिवन रहता है, अदरवाइज आपको इसका एक कोड होता है IS875, यहाँ से हम लाइव लोड की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं जो कि उस कोड में दी हुई है। पर आपके केस में जनरली लाइव लोड को क्वेश्चंस में गिवन रहेगा कि कितना लेना है। थर्ड है आपका फ्लोर फिनिशेस, ये भी आपको क्वेश्चंस में गिवन रहेगा कि कितना आपको लेना है। फ्लोर फिनिशेस में आपका या तो आपका जो टाइल्स वगैरह है वो आपका आ जाएगा, या आपने कोई और कोई पत्थर वगैरह लगवाया है तो उसका जो भी आपका लोड आ रहा है वो फ्लोर फिनिशेस के अंदर आ जाएगा। इनकी जनरली वैल्यू 0.5 से लेके 3 किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से रहती है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो यूनिट है ये बहुत मायने रखती है। हो सकता है कभी कभार आपको किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दे दे, इसका मतलब है आपको क्या दिया है, फ्लोर एरिया के हिसाब से दिया है, तो आपको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पर्टिकुलर डायमेंशन से जिस भी उसने बोला है। ठीक है, थोड़ा सा यूनिट का बस ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बीम। टाइप्स ऑफ बीम्स जो हमारे RCC में जिनको हमें डिज़ाइन करना है, तो बेसिकली दो तरह की बीम है। फर्स्ट इज सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। अब देखिए, अगर आपकी सपोज करिए बीम इस तरीके की है, ये इस तरह की बीम दी हुई है, ये L हो गया, ये B हो गया, और ये जो है इसको मैं कैपिटल डी से डिनोट कर रहा हूँ इस तरीके से। तो ये इसके डायमेंशंस हैं। अब सिंगली रीइंफोर्स का क्या मतलब है, अब ये जो क्रॉस सेक्शन है इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये आपका क्रॉस सेक्शन इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब अगर आपने यहाँ पर बार्स प्रोवाइड किया है, ठीक है, तो यह जहाँ आपने बार प्रोवाइड किया है, अगर देखिए एक चीज़ होती है कि आप एक बीम है उस पर आपने लोड लगाया, लोड लगाने के बाद जो बीम है इस तरह से डिफ्लेक्ट करेगी ऐसे, तो इसमें क्या होगा, ऊपर कंप्रेशन आता है, नीचे आपका टेंशन आता है, और एक लेयर बीच में यहाँ आती है जहाँ पर आपका स्ट्रेन जीरो होता है, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस इस तरीके से। तो देखिए कंप्रेशन साइड हो गया, टेंशन साइड हो गया। अगर आपने बार्स को सिर्फ और सिर्फ टेंशन साइड प्रोवाइड किया है तो इस तरह की बीम को हम बोलेंगे सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। सेकेंड आएगा आपका डबली रीइंफोर्स्ड बीम। रीइंफोर्स को मैं ऐसा RF लिख रहा हूं। अब सेम टू सेम है, देखिए बीम ये है, अगर आपने बार्स को टेंशन साइड में भी प्रोवाइड कर दिया और कंप्रेशन साइड में भी प्रोवाइड कर दिया तो इस तरह की बीम को हम बोलेंगे क्या, डबली रीइंफोर्स्ड बीम। राइट, तो ये हमारी होगी डबली रीइंफोर्स बीम। इनका कहाँ कैसा यूज है ये अभी हम आगे वाली क्लासेस में देखेंगे। अब हम देखते हैं, यहीं देख लेते हैं कि नीड ऑफ रीइंफोर्समेंट क्या है, हम रीइंफोर्समेंट एक्चुअली प्रोवाइड कर क्यों रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है, आपने ये लोड लगाया, लोड लगाने के बाद बीम इस तरह से डिफ्लेक्ट कर गई, तो ये हो गया कंप्रेशन, ये हो गया टेंशन। अब जो हमारा कॉन्क्रीट है तो देखिए कॉन्क्रीट हमारा क्या है, कॉन्क्रीट आपका एक ब्रिटल मटेरियल है। अब ये क्या होगा, कॉन्क्रीट जो है ब्रिटल है इसलिए ये वीक इन टेंशन, यानी कि जरा सी भी टेंसाइल स्ट्रेस आएगी, टेंसाइल लोड आएगा तो जो आपका कॉन्क्रीट है वो ब्रेक कर जाता है। ठीक है, इसलिए इसकी इस प्रॉपर्टी को एनहेंस करने के लिए हमें ऐसे मटेरियल की ज़रूरत है जो टेंशन में स्ट्रॉन्ग हो और जितनी भी टेंसाइल स्ट्रेसेस हो वो बियर कर ले। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने स्टील को यूज़ किया, स्टील।
अब स्टील क्या होता है, कंप्रेशन में और टेंशन में दोनों में इक्वली स्ट्रांग होता है और टेंसाइल स्ट्रेसेस को आराम से बियर कर लेता है। इसलिए जहाँ जहाँ टेंशन होती है उस केस में हम स्टील को प्रोवाइड कर देते हैं ताकि टेंसाइल स्ट्रेसेस स्टील को बियर अप कर ले। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक नीड था कि हम कॉन्क्रीट में स्टील को क्यों प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे मेथड ऑफ डिज़ाइन। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और देख लीजिए, जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील होता है 2×10⁵ न्यूटन पर mm². इस वैल्यू को याद रखिएगा, कहीं कहीं यूज़ हो सकता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। अब हम आ रहे हैं डिज़ाइन मेथड्स पे, हम कौन से डिज़ाइन को मेथड को अप्लाई करेंगे, पहले कौन से हो चुके हैं और आज कौन से अप्लाई हो रहे हैं। चलिए, मेथड ऑफ डिज़ाइन, सबसे पहला जो मेथड है वो आपका था वर्किंग स्टेट या स्ट्रेस मेथड, जिसको हम WSM बोलते हैं। अब वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या हुआ था कि आपका जो भी स्ट्रक्चर बना था वो बहुत ज़्यादा ओवरसेफ बना था। हमने देखा होगा पुराने ज़माने में बहुत मोटी मोटी दीवारें बनती थी, वो इसलिए बनती थी क्योंकि वो वर्किंग स्ट्रेस मेथड से बनती थी और वहाँ पर जो आपकी स्ट्रेस लेवल था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर के मुकाबले बहुत ज़्यादा हाई बना देते थे ताकि स्ट्रक्चर फेल ना करे, यानी कि जो आपकी डिज़ाइन होती थी वो ओवरसेफ बनती थी। ओवरसेफ होने की वजह से ये अनइकोनॉमिकल डिज़ाइन था। तो इससे बचने के लिए सेकेंड मेथड आया, अल्टीमेट लोड मेथड, अल्टीमेट लोड मेथड। अल्टीमेट लोड मेथड में क्या हुआ कि आपने जो डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा उसके लास्ट जो उसकी बियरेबल स्ट्रेंथ है, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस है, वहाँ पर जाकर आपने इसको डिज़ाइन कर दिया। उस वजह से ये क्या हो गया, ये अनसेफ हो गया। आपने क्या किया, मैक्सिमम स्ट्रेस लेवल पर स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन करना शुरू कर दिया, तो ये आपका अल्टीमेट लोड मेथड था, वो आपका अनसेफ आ गया। अब इन दोनों प्रॉब्लम से बचने के लिए थर्ड मेथड आया, जिसको हमने नाम दिया लिमिट स्टेट या स्ट्रेस मेथड। तो लिमिट स्टेट मेथड में क्या किया है हमने, हमने इन दोनों क्राइटेरियाज को ध्यान में रखा है कि हम ऐसा स्ट्रक्चर बनाएं जो ना तो बहुत ज़्यादा अनइकोनॉमिकल हो, मतलब बहुत ज़्यादा मोटे ना बने, ना ही आपका अनसेफ हो कि आपके मैक्सिमम स्ट्रेस लेवल पर ना पहुँचे। तो इससे क्या होगा, आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है वो कम हो गई। दूसरी चीज़ क्या होगी कि आपका जो सेक्शंस है उसकी प्रॉपर्टी, जो क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज हैं वो कम हो गई, तो आपका मटेरियल कम लगेगा। तो ये जो लिमिट स्टेट मेथड आया ये आपका सेफ भी हो गया एंड इकोनॉमिकल भी हो गया। हमने क्या किया है लिमिट स्टेट मेथड में, हमने जो भी आपके क्राइटेरिया हैं डिज़ाइन वाले उन सब में कुछ लिमिट्स को लगा दिया है कि इतने इतने लिमिट में हमारा सेफ और इकोनॉमिकल बनेगा, उस हिसाब से हमने डिज़ाइन करी है, इसलिए लिमिट स्टेट मेथड उसका नाम आया। अब इसके अंदर दो तरह से हम डिज़ाइन करते हैं, पहला है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, दूसरा है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी। अब देखिए लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में क्या हुआ है, हमने जितने भी लोड्स वगैरह आ रहे हैं उन सारी चीज़ों को कंसिडर करा है। तो लिमिट स्टेट कोलैप्स में बेसिकली हम डील करने वाले हैं टेंशन से, कंप्रेशन से, उसके बाद शीयर से, और इन तीनों के कारण क्या आपको बेंडिंग मोमेंट मिलता है, तो बेंडिंग मोमेंट से। तो इन चारों चीज़ों को हमने लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के अंदर रखा है। ध्यान रखिए बेंडिंग मोमेंट को जनरली कई बार फ्लेक्सर नाम से भी बुलाते हैं। ठीक है,
तो इन चारों तरह की लोडिंग्स के लिए हमने लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के अंदर आया है। नेक्स्ट है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी में आपका आ जाएगा डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग एंड वाइब्रेशन। देखिए ये सर्विसेबिलिटी है, सर्विसेबिलिटी का मतलब ये है कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से सर्विस दे रहा है, मतलब स्ट्रक्चर बनने के बाद वाली चीज़ें। तो उन चीज़ों को भी हमने पहले एनालिसिस किया है, उसके बाद स्ट्रक्चर को हमने बनाया है। तो ये दो बेसिक आपकी लिमिट स्टेट ऑफ मेथड्स हैं। इन पे मैं एक वीडियो और भी बनाऊंगा जिसमें थोड़ा वर्किंग स्ट्रेस मेथड और अल्टीमेट लोड मेथड के बारे में बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। अब हम इसके बाद आगे देखते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी सब जानते हैं। अगर सपोज करिए कोई स्ट्रक्चर है 100 किलो न्यूटन का लोड बियर कर सकता है, तो हम उसे 150 के लिए डिज़ाइन करते हैं ताकि आपकी मार्जिन मिल जाए सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को डिफाइन कैसे किया है, मैक्सिमम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय अप्लाइड स्ट्रेस। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन अप्लाइड स्ट्रेस, ये आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है जिसको हम नॉर्मली WSM में यूज करते थे। इस वजह से क्या हो रहा था कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो अनइकोनॉमिकल बन रहा था, तो इसको रिप्लेस करके LSM ने क्या किया है, जो लिमिट स्टेट मेथड है उसने फैक्टर ऑफ सेफ्टी की जगह पे पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी का यूज किया है। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कैसे डिफाइन किया गया है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय डिजाइन स्ट्रेंथ या स्ट्रेस। तो बेसिक अंतर फैक्टर ऑफ सेफ्टी और पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी में बाय डेफिनेशन ये है। इसके बाद देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी ने क्या किया है, स्ट्रक्चर को ओवर सेफ बनाया है। इस फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लेने की वजह से आपका जो स्ट्रक्चर है वो फेल ही नहीं करता था। अब यहाँ पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ने क्या किया है, डिजाइन स्ट्रेस कर दिया। डिजाइन स्ट्रेस में आपने क्या किया है, जो आपके फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगना था उसको थोड़ा सा कम कर दिया। जब आप WSM यूज कर रहे थे तो यहां पे मैं लिख देता हूं कॉन्क्रीट और ये हो गया स्टील। ठीक है, WSM में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो रहा था कॉन्क्रीट में वो यूज हो रहा था 3, जबकि LSM में हमने पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया तो 3 की जगह पे हमने उसको 1.5 कर दी। वहीं स्टील में WSM में फैक्टर ऑफ सेफ्टी था 1.18, जबकि LSM में आ गया 1.15, सॉरी ये 1.8 है और ये हो जाएगा 1.15 इस तरीके से। ठीक है, तो ये पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी का हमें यूज करना है LSM के अंदर। ठीक है, और बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ओवर सेफ डिजाइन बनाता था और यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस डिवाइड बाय अप्लाइड स्ट्रेस होता था, और पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी में हमने डिजाइन स्ट्रेस को यूज किया है, जिससे आपका क्या हुआ है कि आपका ओवर सेफ नहीं हो रहा है, आपका जो स्ट्रक्चर है वो अनइकोनॉमिकल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसके बाद एक टर्म आता है लोड फैक्टर। लोड फैक्टर, लोड फैक्टर क्या होता है, आपका फैक्टर्ड लोड डिवाइडेड बाय वर्किंग लोड। ठीक है, अब जितने भी हमारे लोड्स हैं, जितने हमारे लोड्स हैं उसमें हम क्या करेंगे, लोड फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि 100 किलो न्यूटन अगर कोई स्ट्रक्चर बियर कर सकता है तो हम उसको बढ़ा देते हैं, तो वो आपका लोड फैक्टर में आता है। ये वाली चीज़ हमने क्या करी है, स्ट्रेस में करी है, और यहाँ पे हम लोड फैक्टर ही करेंगे। लोड फैक्टर जनरली हम 1.5 लेके चलेंगे। तो अगर आपका W है, इस फैक्टर लोड को हम WU से डिनोट करेंगे, कहीं पर भी फैक्टर लोड आएगा उसको हम WU से डिनोट करेंगे। तो WU इज इक्वल टू लोड फैक्टर
इनटू वर्किंग लोड। तो जो लोड फैक्टर यूज कर रहे हैं वो हम ले रहे हैं 1.5 इनटू लोड, जो वर्किंग लोड है दैट इज W, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको फैक्टर लोड भी बोलते हैं और साथ ही साथ इसको अल्टीमेट लोड भी बोलते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। सेम टू सेम चीज अगर हम मोमेंट की बात करें तो MU आएगा, MU इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.5 इंटू एम। ठीक है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में वर्किंग लोड दिया हुआ है या एक्सियल लोड दिया हुआ है तो आपको लोड फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपको फैक्टर लोड मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेक्शंस देखने हैं हमें। अब देखिए टाइप्स ऑफ सेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अभी हम सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम की बात करेंगे। तो देखिए ये है आपका क्रॉस सेक्शन इस तरीके से, ये हो गया आपका विड्थ जिसको मैंने बी से डिनोट कर दिया। उसके बाद ये हो गया आपका ओवरऑल डेप्थ जिसको मैंने कैपिटल डी से डिनोट करा है। उसके बाद ये हो गई आपकी न्यूट्रल एक्सिस और यहां पे मैंने बार्स प्रोवाइड करें। इस बार के सेंटर से लेके टॉप फाइबर तक का जो डिस्टेंस है उसको मैंने स्मॉल डी से डिनोट करा है जिसको हम बोलेंगे इफेक्टिव डेप्थ, और इस बार से ये लास्ट तक का जो आएगा इसको मैंने डी डैश से डिनोट किया है जो है आपका इफेक्टिव कवर। मैं यहां लिख देता हूं बी इज इक्वल टू विड्थ कैपिटल डी इज इक्वल टू ओवरऑल डेप्थ अब यहां देखिए ओवरऑल डेप्थ कैसे मिल रही है, स्मॉल डी प्लस डी डैश। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं स्मॉल डी प्लस डी डैश, डी इज इक्वल टू है इफेक्टिव डेप्थ और डी डैश है, डी डैश को बोलते हैं कवर। ठीक, अब देखिए हम इसका एनालिसिस करते हैं। तो आरसीसी में जो एलएसएम है उसका एक अजम्पशन ये है, एक्चुअली आरसीसी नहीं जितने भी स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट हैं उसी में ये अज्यूम करा गया है कि जो स्ट्रेन कर्व होता है वो स्ट्रेट होता है। तो देखिए ये स्ट्रेन कर्व जो है वो इस तरीके का बनेगा। तो ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ये क्या है, ये स्ट्रेन डायग्राम है। ठीक है, आई होप स्ट्रेन आप सबको बताओ, मैं ये रब कर देता हूँ अभी फिलहाल के लिए, आप नोट कर लीजिए इसको। स्ट्रेन डायग्राम है जिसको हम एप्सिलॉन से शो करते हैं। तो अभी यहाँ देखिए एलएसएम का एक अजम्पशन ये भी है कि जो मैक्सिमम स्ट्रेन होती है कंक्रीट में उसको एप्सिलॉन सी से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 0.0035। ठीक है, फिलहाल मैं उसको एप्सिलॉन सी से डिनोट कर रहा हूँ। सिमिलरली जो मैक्सिमम स्ट्रेन स्टील में होगी तो उसको एप्सिलॉन एस टी से डिनोट करूँगा, यानी कि स्ट्रेन इन स्टील इन टेंशन। आप चाहे तो इसको भी ऐसा कर सकते हैं एप्सिलॉन सी और सी एफ, स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट इन कंप्रेशन, वैसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं नोटेशन के लिए सिर्फ एप्सिलॉन एस टी और इसको यूज़ करूँगा, इनकी वैल्यूज को नहीं यूज़ करूँगा। ठीक है, अब देखिए ये जो एक्सट्रीम फाइबर है वहाँ से लेकर न्यूट्रल एक्सिस की जो डेप्थ है इसको एक्स यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बेसिस पे आपके जो सेक्शन हैं उनको डिफाइन किया गया है। सबसे पहला सेक्शन है बैलेंस सेक्शन। बैलेंस सेक्शन मैं यहां पे यही बता देता हूं, बैलेंस सेक्शन का मतलब है कि आपने स्टील का अमाउंट इस तरह प्रोवाइड किया है कि आपकी कंक्रीट और स्टील एक साथ अपनी अपनी लिमिट पर पहुंचेंगे। एक बार मैं रिपीट करता हूं कि बैलेंस सेक्शन में आपने जो स्टील है उसका अमाउंट इस तरीके से प्रोवाइड किया है कि स्टील और कंक्रीट
अपनी अपनी लिमिट्स पर एक साथ पहुंचेंगी, उसको हम बोलते हैं बैलेंस सेक्शन। ठीक है, तो बैलेंस सेक्शन में जो आपको डेप्थ मिलेगी एक्स यू, दैट वुड बी इक्वल टू एक्स यू मैक्स। कहने का मतलब कि जो एक्स यू की वैल्यू हो सकती है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम बैलेंस सेक्शन के लिए हो सकती है। ठीक है, तो इसको हमने एक्स यू मैक्स से डोट किया है। IS 456 में जो आपको चीज़ें मिल रही हैं वो बैलेंस सेक्शन के हिसाब से डिफाइन करी गई हैं। इसके बाद जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आएगा MU, दैट वुड बी इक्वल टू MU लिमिटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट दो पॉइंट हैं, इनको हमें ध्यान रखना है कि बैलेंस सेक्शन में जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मिलेगी उसको बोलेंगे एक्स यू मैक्स, और जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आएगा उसको बोलेंगे एम यू लिमिटिंग। ठीक है, एम यू मैक्स जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तो ये ध्यान रखिएगा, उसको एम यू लिमिटिंग बोलेंगे। अभी अब मैंने आपको बताया कि जो कॉन्क्रीट है और स्टील है अगर एक साथ अपनी लिमिट पर पहुँच रहे हैं, लिमिट क्या है एप्सिलॉन सी सी और एप्सिलॉन एस टी, तो अगर एक साथ अपनी लिमिट्स पर पहुंच रहे हैं तो उसको बोलते हैं बैलेंस सेक्शन। अब ये अगर आगे पीछे पहुंचेंगे तो उस हिसाब से इनके अंडर रीइन्फोर्स्ड और ओवर रीइन्फोर्स्ड नाम से इनको जाना जाता है। तो अब देखिए उनको भी हम देख लेते हैं। अब देखिए ये मैंने दोनों डायग्राम बनाए हैं। पहला डायग्राम ये वाला, यहां पर क्या हो रहा है एक्सयू जो है एक्सयू मैक्स से छोटी हो गई। अब यहां क्या हुआ है कि ये वाला जो सेक्शन है ये है आपका अंडर रीइन्फोर्स्ड। अंडर रीइन्फोर्स्ड आपको नाम से समझ में आ रहा है कि अंडर रीइन्फोर्स मतलब रीइन्फोर्समेंट जितना चाहिए था उससे कम प्रोवाइड किया है, यानी कि कंपैरिजन हुआ है बैलेंस सेक्शन से। तो अगर आपने अमाउंट ऑफ स्टील ऐसे प्रोवाइड किया है कि स्टील पहले अपनी लिमिट पर पहुंच जाए और कॉन्क्रीट अभी अपनी लिमिट पर ना पहुंचा हो, तो ऐसे सेक्शन को हम बोलेंगे अंडर रीइन्फोर्स। यानी कि जो स्ट्रेन इन स्टील है वो तो पहुंच गया एप्सिलॉन एस टी, एप्सिलॉन एस टी, पर जो आपका कॉन्क्रीट है वो अभी भी एप्सिलॉन सी सी से छोटा है। इसको मैं एप्सिलॉन डैश से डिनोट कर देता हूँ, ये छोटा है एप्सिलॉन सी सी से, यानी कि इसमें अभी स्ट्रेन और हो सकता है। तो स्टील जो है वो अपने लिमिट पे पहले पहुँच गया, या हम ऐसा कह सकते हैं कि स्टील पहले फेल कर गया और कॉन्क्रीट नहीं फेल किया। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब स्टील फेल करता है तो हमें वार्निंग मिल जाती है और हमें डिफ्लेक्शन शो होने लगता है, तो हम स्ट्रक्चर के रिपेयर के चांसेस हैं हमारे पास। लेकिन अगर ऐसा होगा कि कंक्रीट पहले फेल कर जाए तो हमारा जो फेलियर होगा वो सडन फेलियर होगा, क्योंकि वो ब्रिटल मटेरियल है तो उसको हम डिज़ाइन नहीं कर सकते। तो अब इसमें क्या होगा, एक्सयू की वैल्यू जो है वो एक्सयू मैक्स से छोटी हो गई। देखिए ये वैल्यू जो है एक्सयू, यही आपका एक्सयू मैक्स है। अब यहाँ देखिए ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये छोटी है, तो अंडर रीइन्फोर्स सेक्शन में हमें क्या मिलेगा, एक्स यू इज लेस देन एक्स यू मैक्स। साथ ही साथ एम यू जो रहेगा एम यू विल बी लेस देन एम यू लिमिटिंग, इस तरीके से। ठीक है, ये लेस देन का साइन है। आप चाहें तो यहाँ डिवाइडेड बाई डी और डिवाइडेड बाई डी भी कर सकते हैं, वो न्यूमेरिकल में हालांकि देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आ रहा है ये आपका आ रहा है ओवर रीइन्फोर्स सेक्शन, ओवर रीइन्फोर्स सेक्शन। तो देखिए नाम से समझ में आ रहा है कि जितना रीइन्फोर्समेंट चाहिए था उससे हमने रीइन्फोर्समेंट को ज़्यादा प्रोवाइड किया है। तो ओवर रीइन्फोर्स सेक्शन का मतलब क्या है कि आपका स्टील अभी भी अपनी लिमिट तक नहीं पहुंचा है, जबकि कंक्रीट जो है अपनी लिमिट पर पहले पहुंच गया। यानी कि यहाँ पर जो मैक्सिमम स्ट्रेन हो चुका है वो एप्सिलॉन सी सी हो गया, और यहाँ पर जो स्ट्रेन है वो एप्सिलॉन डैश से डिनोट कर देता हूँ, एप्सिलॉन एस डैश। ठीक है, ये अभी भी इस एप्सिलॉन एस टी से छोटा है। ठीक है, तो ओवर रीइन्फोर्समेंट में क्या हुआ है,
आपका कंक्रीट तो फेल कर गया है लेकिन अभी स्टील फेल नहीं किया है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, हमें जो फेलियर मिलेगा वो सडन मिलेगा, इसलिए हम ओवर रेनफोर्स सेक्शन को डिज़ाइन नहीं करते हैं और अंडर रेनफोर्स सेक्शन को हम डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें वार्निंग मिल जाती है। अब इस केस में देखिए क्या हो रहा है, जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस है वो बड़ी हो गई, तो एक्स यू इज ग्रेटर देन एक्स यू मैक्स और एम यू जो आएगा इट इज ग्रेटर देन एम यू लिमिटिंग। तो ये दो कंडीशन में ध्यान रखें, जब ये आएगा तब ओवर रेनफोर्स सेक्शन हो गया। अब जब ओवर रेनफोर्स सेक्शन होगा तो हमारे पास दो चांसेस हैं, दो चॉइसेस हैं, या तो हम रीडिजाइन कर सकते हैं। रीडिजाइन करने का मतलब है जितना आपने एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड किया है उसको हम थोड़ा सा कम कर दें और अंडर रेनफोर्स में ले आएं, या फिर ओवर रेनफोर्स की में केस में हम डबली रेनफोर्स बीम को डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो चॉइसेस आपके पास हैं। आपसे क्वेश्चन में जैसा बोला है, अगर आपसे बोल दिया है कि आपको सिंगली रेनफोर्स ही डिज़ाइन करनी है तो आपको रीडिज़ाइन पर जाना पड़ेगा, पर अगर ऐसा नहीं बोला है तो आप डबली रेनफोर्स बीम को डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टाइप ऑफ सेक्शन यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सिंगली रीइंफोर्स्ड जो बीम है उसका एनालिसिस कैसे होता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है और बीम की डिज़ाइन कैसे करी जाती है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो पूछिए। और आज का वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।